कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी और बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर आ रही हूँ, और इंशाल्लाह जितनी भी हाउसवाइफ हैं बहुत ही खुश होंगी इस टिप से और दुआएं भी देंगी। और जो मतलब जॉब्स करने वाली लड़कियां हैं, मदर्स हैं, जो भी हैं, जो मतलब कि जॉब करती हैं या बच्चों के साथ बिजी रहती हैं, तो वो लोग ज्यादा अपनी वेजिटेबल को सेव नहीं कर सकती। उनके लिए एक आसान तरीका है कि वेजिटेबल को ज्यादा से तक कैसे हम फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, और हमें किस तरह उन सब्जियों को सेव करना चाहिए या स्टोर करना चाहिए फ्रिज में, तो आप लोगों को तरीका बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं लौकी और उसकी तरफ आती हूँ, तुरई की तरफ। तो आपको पता है कि ये दोनों जो सब्जियां हैं ये पानी बहुत अब्जर्व करती हैं। अगर हम इन्हें मतलब के फ्रीज़र में भी रखें तो वो परेशान होते हैं, भाई हम लोगों ने फ्रीज़र में रखा, उसके बाद हमने सब्जियां ये दोनों यूज़ की तो वो बिल्कुल ही हलवा हो गई पककर, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, मैं आपको वो भी ट्रिक बता। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ये लौकी तुरई है, तो तुरई को आप इतने साइज में काट के रखो। अगर फ्रीज करने के लिए आप लोगों ने काटनी है तो तुरई को इतने साइज में हम लोगों ने कटिंग करनी है, इस तरह। हफ्ते बाद आप अगर हफ्ते तक स्टोर करना चाहो, दो हफ्ते तक स्टोर करना चाहो, तो इजीली आप लोगों को तरीके बताऊंगी। इंशाल्लाह ये है कि बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल आप जब भी पकाने के लिए आप फ्रीजर में से निकालोगे, बिल्कुल फ्रेश की तरह आपको इसका जायका और इसका कलर मिलेगा, ठीक है। जरा थोड़ा थोड़ा मोटा आप लोग इसको काट लो, बिल्कुल बारीक नहीं काटना। ये देखिए इस तरह हमने कटिंग कर ली इसकी, और लौकी की हमने इसी तरह कटिंग करनी है। चलिए ये देखिए, लौकी को और तुरई को मैंने काट लिया है। लौकी को मैंने ज्यादा बारीक नहीं काटा, उसको भी उसी तरह ही उसी शेप में काटा है। ये हम दोनों की मैंने कटिंग कर ली। अब नीचे बिछाते हैं टावल सब्जियों को खुश करने के लिए, जैसे कि ये है और ये, और बंद गोभी, ठीक है। मटर को मैं आपको बाद में बताऊंगी, मटर और लहसुन अदरक के पेस्ट को उसको हम बाद में बताते हैं, पहले मैं सब्जियों की तरफ आ जाऊंगी, ठीक है। और गोभी, कोई सी भी सब्जी है, मेरे पास अभी मौजूद यही सब्जियां थी, तो आप कोई सी भी आप लोगों की सब्जी हो, जो भी मतलब आप लोग ज्यादा खाना पसंद करते हो, गोभी है या तुरई है, बैंगन नहीं, बैंगन को छोड़ के बाकी जितनी भी सब्जियां हैं आप उनको किस तरह स्टोर कर सकते हैं वो भी आप लोगों को तरीका आसान तरीका बताऊंगी। ये शिमला मिर्च कटिंग की हुई है, ये बंद गोभी मैंने कटिंग की हुई है, ठीक है। और बंद गोभी का तरीका गाजरों का, गाजरों को आप चॉप करके, बंद गोभी को चॉप करके, शिमला मिर्च को चॉप करके आप लोग फ्रीज कर सकते हो। ये एक ही तरीके से ये सारी सब्जियों का एक ही तरीका बताऊंगी। अच्छा, मैंने एक बोल में पानी ले लिया है, ठीक है। एक बोल में मैंने पानी लिया है और इसमें हमें नमक डालना है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है। ठीक है, पानी में नमक डाल के हमने इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि 5 चम्मच अंदर चला गया, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ, एक ढक्कन में इसमें डाल रही हूँ सिरका, ठीक है। इसको मिक्स किया, और अब जितनी भी वेजिटेबल है ना जो आप चाहते हो कि 2 हफ्ते तक आप लोग स्टोर करो, फ्रीज करो, तो सारी जितनी भी वेजिटेबल है आप उनको उसी तरह उस पानी में डिप करोगे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह डिप करके आप लोगों ने कम से कम इसको 10 मिनट के लिए इसी पानी में डिप करने के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट के बाद आप लोग इसको पानी को अच्छे से, ये देख, इस तरह वॉश करके आप इस पे सादा पानी डालो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर सादा पानी इस तरह डाल के
वॉश कर लिया। अब ये हमारी इसी तरह ही हमने सब सब्जियों को वॉश करना है इसी पानी में। इसको मैं पानी को फेंक कर आती हूँ, दूसरा पानी रेडी करती हूँ। ये पानी हमने हर सब्जियों की मर्तबा चेंज करना है, बंद गोभी की मर्तबा, मतलब जितनी भी सब्जियां हैं हर सब्जी को एक एक पानी में वॉश करना है, गोभी को, तुरई को, शिमला मिर्च को, बंद गोभी को। तो बाकी सब्जियों की तरफ आती हैं जो हम काफ़ी लंबे अरसे तक, कम से कम भी 1 से 1.5 साल तक कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, मैं उन चीज़ों की तरफ बाद में आती हूँ। पहले मैं ये वॉश करती हूँ। चले ये देखिए मैंने बोथ साइड पे कर दिया, मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग पानी में अच्छे से वॉश कर दिया है ये देखिए, और मैंने टॉवल नीचे बिछा दिया है ताकि सारी सब्जियां अच्छे से खुश्क हो जाए। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी तो आप लोग इसे शॉपर में निकाल के पैक करो, और पैक करने के बाद कम से कम आप इसे 2 हफ्तों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हरी मिर्चों की तरफ। अक्सर लोग कहते हैं भाई हरी मिर्चें खराब हो जाती हैं, तो हम इसे कैसे ग्रीन हरी हरी किस तरह रख सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद वो अगर बाहर रखो तो रेड हो जाती हैं और अगर फ्रिज में रखो तो ख़राब हो जाती हैं। इसका भी एक आसान हल है, ये मैंने धोकर रखी हुई थी। टॉवल की मदद से या किसी लून के कपड़े से आपने क्या करना है, इसको खुश्क करना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से खुश करना है। इस तरह का अगर आपके पास आइसक्रीम बॉल्स है या कोई भी आपके पास बॉल है एयर टाइट, तो आप वो ले लो, मेरे पास आइसक्रीम बॉल है। तो मैं क्या करूंगी, धनिया भी आपने इसी तरह साफ करना है, धनिया भी मेरे पास है नहीं, लेकिन धनिया और हरी मिर्चें इसी तरह आपने साफ करके उसका पानी अच्छे से खुश करके आप लोगों ने पेपर में इस तरह, अखबार है तो आप अखबार ले लो, कोई भी आप लोगों के पास पेपर है तो आप कोई भी कागज ले लो स्कूल की कॉपी का या कोई भी, तो इस तरह एयर टाइट आप इसको पैक कर दें। 2 हफ्ते क्या 3 हफ्तों तक ना ही आपकी हरी मिर्चें खराब होंगी, ना ही आप लोगों का धनिया खराब होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मटर। अच्छा, मटर एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को पता है ये सिर्फ सीजन में ही मिलता है, सर्दियों में आते हैं तो गर्मियों में हमें मटर नहीं मिलता। तो इसको स्टोर कैसे करना है ये आप लोग देख रहे होंगे, अभी इस पे बर्फ जमी हुई है, ये देखिए इस पे बर्फ जमी हुई है, आप बर्फ चेक कर लो, इस पे बर्फ जमी हुई है, लेकिन इसका कलर आप लोग देख लो, कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और इसका कलर हम लोग कैसे इस तरह फ्रेश मटर की तरह रख सकते हैं, आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 साल तक कैसे स्टोर कर सकते हो वो भी आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम इस बॉल में पानी लेते हैं, मैंने इसमें पानी, ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें नमक नहीं डालना, ठीक है। और ये है हमारे मटर, और ये देखिए मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को कैसे स्टोर करके रखा है, इसका कलर आप लोग चेक करो, कितना जबरदस्त ऐसे लग रहा है जैसे अभी फ्रेश पेस्ट इसका बनाया है लहसुन अदरक का, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसको कैसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं, इसको भी आप कम से कम 1 से 1.5 साल तक फ्रीजर में कैसे स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास जवे हैं, मतलब जैसे कि आप लहसुन अदरक को बिना पेस्ट के सेव करना चाहते हो, फ्रीजर में फ्रीज करना चाहते हो, तो उसका भी तरीका बता देती हूँ। और अगर इस लहसुन के पेस्ट को बिना खराब हुए, आप बिना कलर चेंज किए, अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आई कार्ड में ऊपर लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से क्लिक करें और इसकी रेसिपी आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम आप लोग 1.5 साल तक लहसुन अदरक को, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसका जायका भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आपको खानों में देगा, 100 to 10% मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, आपके पैसे जाया नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मटर की तरफ। मटर को भी हम 1 से 1.5 साल तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह ही हम लोग पानी लेंगे। ये देखिए मैंने एक बॉल में पानी लिया, इसमें आपने देखना है कि आपके पास मटर कितने हैं, अगर आपके पास 1 किलो मटर है, 2 किलो मटर है, तो 2 किलो के हिसाब से आपने लेना है 1 कप सिरका। अभी मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये आधा किलो मटर के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए ये एक ढक्कन ऐड किया इसमें, ठीक है,
आपके पास अगर 2 किलो मटर है तो 2 किलो मटर में 1 कप शीशे का जो चाय पीने वाला होता है, 1 कप सिरका और 1 कप ही आप लोगे एप्पल एसिड विनीगर। ठीक है, आप कोई सा भी ब्रांड का ले लो, मैं यहाँ 1 एंड 2। ठीक है, एप्पल एसिड विनीगर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज करती हूँ, ये बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी इसका इस्तेमाल बताऊंगी कि किन किन चीजों के लिए ये इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी चल रहा है हमारा लहसुन मटर। मटर को हम इस तरह इसी पानी में, ये देखिए आपको सिर्फ एक मैंने सैंपल दिखाया है, ये देखिए कितना जबरदस्त हरे हरे मटर हैं, बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं हुआ हुआ, ये मेरे फ्रीज किए हुए मटर हैं। मैंने फ्रेश इसीलिए नहीं दिखाया कि आप लोग ये ना कहें कि भाई कैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन 100-10% रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे फ्रेश मटर मिलेंगे आपको। इसी तरह ही आप मटर को इस पानी में भिगो कर रख दें कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर ले पानी में। ठीक है, मैं आपके सामने ही वॉश करती हूँ। ये देखिए 20 मिनट के बाद आप इसे पानी में वॉश कर लो और उसके बाद सादा पानी इस पे डाल दो। चले, ये मैं सादा पानी इस पे डाल रही हूँ। ये देखिए अब ये देखिए मेरे मटर, मैंने आप लोगों के सामने जो मैंने फ्रीज किए हुए थे मटर, मैंने वही मटर आप लोगों को, चले मैंने वो ही आपको वॉश करके दिखा दिए। ठीक है, ये देखिए आप लोग इसका कलर देखिए आप लोग, ये फ्रीज किए हुए मटर मैंने आप लोगों के सामने दोबारा आप लोगों को तरीका बताया है इसकी, ना तो ये ज्यादा जड़े निकलेंगी, ना ही ये खराब होंगे, ना ही इनका कलर चेंज होगा, ना ही इनका टेस्ट चेंज होगा। और आप 2 साल के बाद भी अगर ये मटर निकाल के फ्रीजर में से तो अगर यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो ये आप लोगों के सामने फ्रीज हुए ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, देख ले कितने जबरदस्त वैसे ही फ्रीज हुए मटर हैं मेरे, और जब कलर भी बिल्कुल इसका चेंज नहीं हुआ और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको बता दिया है, आई कार्ड में बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं स्टडी करने वाली या जिनके जो घर के काम करती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये मैंने टिप्स लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी। अब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आपको रिजल्ट कैसा मिला। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है आप फ्रूट्स के लिए उसके लिए पैकिंग के लिए कोई से भी मतलब पैकिंग वाले की हमें शॉपर चाहिए, पैकिंग बैग चाहिए, तो उसके अलावा वरना हम सब्जियां फ्रीज नहीं कर सकते। नहीं, आप इस तरह के 1-1 किलो के शॉपर मंगवा के रखो। ठीक है, 1 किलो के मंगवा लो, 1/2 किलो के मंगवा लो, जो जैसे ही मतलब जिसको सूट करता है जितनी सब्जी फ्रीज करना चाहता है। सब्जियां आप 2 हफ्तों तक फ्रीज कर सकते हो बिना खराब, बिना जायके के, मतलब के जायका भी खराब नहीं होगा और कलर भी खराब नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको शॉपर में पैक करो। ठीक है, और इसको मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को इस तरह मैंने बोल में फ्रीज किया हुआ है, मैं इसी तरह इसको निकालती हूँ और यूज कर लेती हूँ। आप क्यूब्स की शक्ल में भी इसको, क्यूब्स में भी बना के, अगर आपको क्यूब्स चाहिए तो क्यूब्स की शक्ल में आप इसको बना के तो आप शॉपर में इसी तरह शॉपिंग बैग में डालो और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लहसुन अदरक को भी इसी तरह ही आप क्यूब्स की शक्ल में निकाल के क्यूब्स बना लो, या आप जितने भी बड़े बड़े टुकड़े बनाना चाहते हो, सब्जी में डेली कर निकाला और वो फ्रीज टुकड़ा हमने सब्जी में डाल दिया और वेजिटेबल हमारी खुश्क हो गई है तकरीबन, लेकिन हमने अच्छे से खुश्क होने देना, इसलिए मैंने टावल नीचे बचा के रखा हुआ था कि ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने सब्जियों को अच्छे से खुश्क किया है, खुश्क करने के बाद आप इसी तरह पैकिंग करो और फ्रीज करो और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लगेंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।